सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असंवैधानिक घोषित करने के बावजूद भी देश में तीन तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद का है, जहां पर एक आदमी ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका के चक्कर में 3 साल पहले हुई शादी को तोड़ दिया। तलाक देने वाले शख्स का 2 साल का एक बेटा भी है। दरअसल पति के फोन पर एक महिला का मैसेज आया था। इसके बाद जब महिला ने पति से पूछा तो पहले तो पति ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद 3 तलाक दे दिया। अब ऐसे लोगों का क्या कुछ होना चाहिए, ये समाज भलीभांति से जानता है। और शायद इसी वजह से जो मुस्लिम महिलाएं भी हैं वो 3 तलाक का बिल पारित होने की मांग कर रही हैं, कानून बनाए जाने की मांग लगातार की जा रही है। हम लोग सही रह रहे थे, पूरा परिवार, हमारा परिवार ठीक रहता था। और मेरे हस्बैंड के किसी लड़की से नाजायज संबंध हो गए। मैंने बोला कि नाजायज संबंध क्यों है, तो मुझे मारा पीटा और मुझे तलाक दे के चले गए। उसके बाद में आए लोग फैसले के लिए, मेरे घर वालों को मारा पीटा और चले गए मार पीट के, और मुझे भी मारा। मेरे यहाँ निशान है गले में, यहाँ पर मुझे बहुत मारा और मारा पर चले गए। उनके साथ तलाक, लेकिन शौहर तलाक दे के चले गए कल, और आज भी कुछ लोग आए थे, उनके हमारे साथ मारपीट करी, हमें पता नहीं था कौन था। वो आके मारपीट करी, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, तब हमने देखा क्या था, कौन लोग थे। हमारे उनको तलाक दे के चले गए, उनके लड़की के साथ कुछ और संबंध थे, तो आके तलाक दिया। कुछ ना लड़ाई थी, कुछ झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं था, बस आया और तलाक दिया।